हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो वैसे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि शॉर्ट वीडियो को थंबनेल किस तरीके से लगाते हैं क्या नहीं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देता हूँ गाइस, उसमें आपको एडिट करके बताता हूँ कि थंबनेल किस तरीके से एडिट करना चाहिए क्या नहीं, पूरा ए टू जेड जानकारी देता हूँ आपको कि उसमें आपको थंबनेल चेंज कैसे करना है क्या नहीं, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि चेंज करने के बारे में क्या टॉपिक है क्या नहीं, आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा गाइस। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए। तो वही चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वैसे आप लोग देख सकते होंगे मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। मोबाइल के स्क्रीन पे आने के बाद आपको सिंपली आपको एक डाउनलोड करना होगा एप्लीकेशन, वो है YT क्रिएट बोल के एप्लीकेशन रहता, उसको डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाता एप्लीकेशन। YouTube का ही एप्लीकेशन है YT क्रिएट बोल के, बीटा बोल के एप्लीकेशन है। और ये प्लेस के आइकन पर क्लिक कर लीजिए ओपन कर लेने के बाद। और इस तरीके से मैं एक शॉर्ट वीडियो इंपोर्ट कर दूँ, जो भी आप वीडियो लेना चाहते हो उसको इंपोर्ट कीजिए, ना कि शॉर्ट वीडियो को। आप एडिटर मतलब लॉन्ग वीडियो को एडिट करना चाहते हो तो लॉन्ग एडिटर मतलब पावर डायरेक्टर या काइन मास्टर में एडिट कर लीजिए, शॉर्ट वीडियो को ही एडिट करना चाहिए इसमें गाइस, क्योंकि इसमें उतने फीचर्स नहीं है ताकि आप अच्छे से एडिट कर पाओ। तो गाइस मैं ये इसमें क्यों बता रहा हूँ बोले तो, शॉर्ट वीडियो को एडिट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऐप है, इसलिए तो मैं इसको एडिट करके मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो को। जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे तो मैं इसमें आप देख सकते होंगे फ़िल्टर्स भी है बहुत सारे अलग अलग किस्म के, जैसे कि यहाँ देख सकते होंगे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो फ़िल्टर्स आ जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे इस तरीके से फ़िल्टर्स आ जाते हैं। इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं इसमें आप स्किन का, और आप देख सकते होंगे इसमें टेक्स्ट इफेक्ट से टेक्सटाइल्स रहते हैं बहुत सारे अलग अलग किस्म के। इसमें टेक्सटाइल्स मतलब आप देख सकते होंगे कि टेक्स्ट के जो स्टाइल्स रहते हैं वो अलग अलग किस्म के रहते हैं इसमें, जैसे कि आप देख सकते होंगे बहुत सारे हैं इसमें। जैसे कि मैं ये पिक कर लेता हूँ, पिक करने के बाद इसमें टाइप करता हूँ कि हाउ टू इसमें पिक करता हूँ कि थंबनेल कैसे बनाना है। कैसे थंबनेल कैसे बनाएं, बनाया जाए कुछ इस तरीके से देख सकते होंगे। तो इसको ओके करने के लिए आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद सिंपली आप देख सकते होंगे इस तरीके से आएगा। तो इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप, टू फिंगर्स से आपको बड़ा करना होगा, टू फिंगर से छोटा करना होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे। इसको हटा भी सकते हैं गाइस, आप देख सकते होंगे। हटाने के बाद आप जो भी स्टिकर्स लेना चाहते हो वो भी ले सकते हैं। इसमें स्टिकर पे क्लिक करने के बाद अगर आप लोग इसमें लगाना चाहते हो कि सब्सक्राइब करो या बेल आइकन का दबाओ या लाइक का बटन दबाओ, कुछ भी अगर बोलते हो उस टाइम पे आप लोगो चाहते हो, जिस तरीके से ये देख सकते होंगे इस टाइप से भी लोगो ले सकते हो आप। इसमें वॉइस का भी ऑप्शन आता, जैसे कि मैं नीचे ले लेके देख सकते होंगे इस तरीके से ले लेके मैं, इसमें साउंड का भी ऑप्शन आता, जैसे कि बेल साउंड मैं ले लेता हूँ। देख सकते होंगे बेल साउंड मैं ले लिया, हाँ देख सकते होंगे। ये बेल साउंड ले लिया गाइस, लेने के बाद आपको यहाँ पिक कर लिया तो ओके हो जाता है, इसमें आ जाता। तो इसमें बहुत सारे मतलब एडिटिंग के रिलेटेड शॉर्ट वीडियो अगर अपलोड करते हो तो इससे ही अपलोड कीजिए आप लोग। तो मैं अपलोड करके बताता हूँ आपको कुछ इस टाइप से देख सकते होंगे। और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, तो इसमें मैं लो क्वालिटी कर देता हूँ ताकि फास्ट हो सके, जो भी आपकी क्वालिटी है उसके हिसाब से रहता, थोड़ा फास्ट एक्सपोर्ट होता। अगर आप लो क्वालिटी में करें तो फास्ट होता, हाई क्वालिटी में करें तो लो एक्सपोर्ट होता गाइस। जैसे कि आप देख सकते होंगे 94 हो चुका है। होने के बाद अपलोड आए शॉर्ट वीडियो में मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते होंगे यहाँ पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा। आप वेट करें होंगे कि थंबनेल कैसा चेंज करना चाहिए। थंबनेल का चेंज तो नहीं हो सकता अपलोड करने के बाद, अपलोड करने के से पहले ही आपको करना पड़ता थंबनेल सेट करना पड़ता। तो
पेंसिल के आइकन पे क्लिक कर लेगी, जो भी आप सेट करना चाहते हो, जैसे कि थंबनेल कैसे बनाए यहाँ बोल के लिख के डन पे क्लिक कर लेगी। देख सकते हो थंबनेल कैसे बनाया आ गया, जैसे कि बेल आइकन, लाइक शेयर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर बोल के है, तो इस पर क्लिक कर लिया, हमें डन पे क्लिक कर लिया। डन पे क्लिक करें तो वही आ गया। इस तरीके से आप लोग जो है थंबनेल को सेट कर सकते हो गाइस। तो इस वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन के वीडियो सबसे पहले आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।